हेलो दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल जीसी पॉइंट में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक दिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलाते हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग 3.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम पहले क्वेश्चन उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो देख लीजिए, ये उदाहरण है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, इसमें 2a+3x बराबर 5b। हमें इसमें है दिया हो तो क्या करना है, आव्यूह x का मान निकालना है, यानी x आव्यूह को आपको बता देना है कि x का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देख लीजिए, इसमें आप आंसर करिएगा। तो देख लीजिएगा, इसमें आपको a बराबर क्या दिया है, आव्यूह a बराबर दिया है 8 0 4 -2 और 3 6 दिया है। ठीक है, उसके बाद से आपको b बराबर दिया है 2 -2 4 2 और -5 1 दिया है। उसके बाद इधर देख लीजिएगा, तो आपको निकालना क्या है, तो देख लीजिए, चूंकि 2a और प्लस कितना है 3x बराबर आपको 5b को निकालना है। तो देख लीजिएगा, इसमें इसमें आपको 2 * a का मान यदि पता है, देख लीजिए a का मान लिखना हमें लिखना है, वो लिख लिए a का मान, प्लस इधर 3 और x का मान तो पता ही नहीं है, x का मान तो निकालना भी है आपको, तो पता ही है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, ये हो जाएगा 5 और उसके बाद b का मान, तो b का मान यहाँ पे लिख लेते हैं, b का मान लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 a का मान यहाँ से रख लिए, उसके बाद ये 3 और x है तो x का मान तो दिया ही नहीं, x का मान तो हमें निकालना है, और ये 5 हो गया, उसके बाद b का मान हम यहाँ से रख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो देख लीजिएगा, इसमें यह क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, 2 से गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना, 8 2 16, और ये हो जाएगा 0 में करिएगा 2 से तो 0, और ये 4 2 कितना हो जाएगा 8 -2 2 4, 3 2 6, और ये 6 2 हो जाएगा 12, प्लस इधर 3x बराबर इधर गुना कर दीजिए, और ये 5 2 हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा 5 2 -10, और ये 5 4 हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा 10, और ये देख लीजिएगा, इसमें गुना होगा तो 5 में 5 से तो प्लस, और ये -25 हो जाएगा, उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इधर है प्लस में, इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, इधर जब उसको भेजेंगे तो इसको जब इधर भेज रहे हैं तो इधर बचेगा क्या 3x, और इसको हमें क्या करना है, बराबर के उधर भेज देना है। तो बराबर के उधर ये देख लीजिए है, और इसको भेज देना है उधर, तो देख लीजिए इधर चल जाएगा 21 में, माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा, इसको हमने इधर लिख लिया, ये प्लस में है इधर जाएगा, तो हम इसको किस में भेज देंगे, माइनस में भेज देते हैं, माइनस में भेज दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो देख लीजिए, यह हो जाएगा इंप्लाई दैट 3x बराबर, अब इसको घटा लेते हैं, 10 में से 16 तो घट नहीं सकता है, हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं 10 - 16, ऐसे ही लिख लेते हैं, यही हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा -0, ये हो जाएगा आपको 20 में से आपको 8 घटाना है, 20 - 8, ये हो जाएगा 10, और माइनस लिखना है फिर माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, उसके बाद देख लीजिए यह -25, और उसके बाद इसमें घटाना कितना है, तो 6 को ये देख लीजिए 5, और माइनस कितना हो जाएगा 12, 5 में से 12 को घटाना है। अब इस प्रकार से यह मिल जाएगा 3x बराबर, अब इसको घटा के लिख लीजिए, यह हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -10,
और ये हो जाएगा कितना, 12, 20 में से 8 गया 12, और ये हो जाएगा आपको देख लीजिए 10 अचार 14, उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, ई भी माइनस तो जुट जाएगा, माइनस हो जाएगा 31, और ये हो जाएगा माइनस कितना 7, क्योंकि 5 में से 12 गया माइनस 7। अब ये हो जाएगा आपको देख लीजिए 3x। अब इसलिए x बराबर निकालिए, x बराबर निकालिएगा तो देख लीजिए 3 को इधर ला दीजिए भाग में, तो भाग में लाइएगा माइनस 6 है, माइनस 10 है, 12 है, 14 है, और ये क्या है माइनस 31 है, और ये क्या है माइनस कितना है 7 है। अब ये देख लीजिए इसको हमने भाग में भेजा है इसलिए ये बटा में रखिएगा, हम बोले थे जो भाग में भेजे हैं लेकिन मिस्टेक से आपको लिख दिए थे, इसलिए इधर गुना में इधर भाग में भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं एक्स बराबर निकाल सकते हैं, तो एक्स बराबर देख लीजिए जिसमें कटने वाला है उसको कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है उसी तरह से रहने दीजिए, 3 से ये कटेगा 2 मर्त में तो माइनस 2 हो जाएगा, इससे ये 3 से कटने वाला नहीं है तो माइनस 10 बटा कितना हो जाएगा 3, इसमें 3 से कटेगा 4 मर्त में तो 4 हो गया, इसमें कटने वाला नहीं है तो यह हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 बटा कितना हो जाएगा 3, उसके बाद से 3 में इसमें भी नहीं कटने वाला है तो माइनस 31 बटा कितना हो जाएगा 3, और इसमें भी नहीं कटने वाला है तो ये भी हो जाएगा माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये आंसर आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिएगा आपको बनाना क्या है, तो इसमें देख लीजिए आपको ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a-c निकालना है, ab निकालना है, उसके बाद से क्या निकालना है ba निकालना है, इतना आपको 5 क्वेश्चन इसमें करना होगा। तो देख लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपको इसका एक नंबर, एक नंबर आपसे पूछा है a प्लस बी बराबर, तो a प्लस बी बनाना है आपको, तो देख लीजिए चूंकि a प्लस बी बराबर अर्थात a का मान लिख देना है, a का मान देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 2, 4, 3 और 2 है, आप प्लस b का मान यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख लीजिए b का मान कितना है 1, 3 और ये माइनस 2 और क्या है 5 है, इस प्रकार से हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये 4, 3 हो जाएगा 7, और इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये प्लस में माइनस में घट जाएगा 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद से 2 और ये 5 जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, और इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट, ठीक है। अब इसी का 2 नंबर बनाइएगा और a माइनस बी बनाना है, ठीक है, a माइनस बी निकालना है, तो देख लीजिए a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए a और ये a प्लस बी में दिया है, इसी को हमें लिख लेना है किसमें, माइनस में लिख लेना है, ये a का मान है और ये क्या है b का मान है, देख लीजिए ये a का मान है और ये क्या है b का मान है, केवल हमें इसको घटा देना है, तो देख लीजिए भाई 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये 3 में से माइनस माइनस देख लीजिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में से आपको माइनस माइनस प्लस करना है, 3 में प्लस करना है कितना को, तो 2 को प्लस करना है, अर्थात ये 3 × 2 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद से देख लीजिए 2 में से आपको माइनस करना है 5 को, तो 2 में से माइनस करना है 5 को, अर्थात 2 में से देख लीजिए माइनस करिएगा 5 तो ये हो जाएगा माइनस 3, और इस प्रकार से ये भी आंसर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में
इसी में अब तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर को देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा इसलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए इसी का हम तीन नंबर बनाते हैं, तो तीन नंबर बनाएंगे तो इसमें दिया है थ्री ए माइनस सी, थ्री ए माइनस सी निकालना है। तो देख लीजिएगा थ्री आपको ज्ञात क्या करना है, थ्री ए माइनस सी, तो ये बराबर में हो जाएगा थ्री इंटू ए का मान कितना है, तो देख लीजिए ए का मान है कितना है टू फोर और थ्री टू, और माइनस आपको सी का मान करना है, तो देख लीजिए सी का मान यहाँ पे है कितना है माइनस टू फाइव, उसके बाद से देख लीजिएगा थ्री फोर है, इतना आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको तीन से इसमें गुना करना पड़ेगा, तीन से गुना करके तब घटाएंगे, इसलिए तीन से गुना करिए, भाई तीन दुना कितना हो जाएगा छ, चार तियाई कितना हो जाएगा बारह, तीन त्रिका नौ और तीन दुना छ, इसके बाद से आपको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं माइनस टू और ये फाइव थ्री और फोर को, इसमें तो किसी संख्या यहाँ पे नहीं दिया है गुना करने के लिए, कोई भी संख्या यहाँ पे गुना में नहीं है इसलिए गुना उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, छ में से माइनस करना है दो को, तो माइनस माइनस प्लस, ये छ और दो कितना हो गया आठ, उसके बाद से बारह में से माइनस करना है, बारह में से माइनस देख लीजिए, बारह में से माइनस करना है कितना को पांच को, तो बारह में से पांच गया तो हो जाएगा आपको सात, उसके बाद से नौ में से घटाना है तीन को, तो नौ माइनस तीन यानी छ, छ में से घटाना है कितना को चार को, अर्थात ये क्या हो जाएगा दो, इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं पांच, तो देख लीजिए इसमें गुना करना है, पांच नंबर क्वेश्चन है सॉरी चार नंबर, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है अर्थात ए में बी से गुना कर देना है, तो देख लीजिए चूंकि ए बी बराबर अर्थात ए का मान लिख लेना है, ए का मान देख लीजिए दो चार और ये तीन दो, बी का मान गुना में लिख लेना है, तो एक और ये कितना है तीन है, माइनस दो और कितना है पांच है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें काम करते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे इधर इसमें जाएंगे, गुना में क्या होता है इसमें पंक्ति में जाना होता है, आगे बढ़ना होता है, इसमें स्तंभ में नीचे जाना होता है, तो देख लीजिएगा जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें पंक्ति में जाएंगे तो इसमें स्तंभ में जाना है, अर्थात देख लीजिए इसमें गुना इससे होगा इसमें नीचे होगा, देख लीजिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें नीचे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहले आपको गुना किस में करना है, प्रथम पंक्ति से प्रथम स्तंभ में करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें हो जाएगा दो एकम दो और इसमें चार दुना माइनस सात, तो ये हो जाएगा कितना, इसमें गुना किए तो दो एकम दो और ये माइनस साठ, तो ये दो एकम दो और माइनस हो गया आठ, इससे इसमें कर लिए, अब इसी से करना है इसमें करना है गुना, चलिए करते हैं, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा तीन दूना छ और ये कितना हो जाएगा पांच चौका बीस, तीन दूना छ और पांच चौका बीस, एक बात ध्यान, और ये स्तंभ बदल गया, स्तंभ बदल गया तो स्थान भी बदल जाएगा, तीन दूना छ और पांच चौका बीस, तो ये छ और प्लस हो जाएगा बीस, ठीक है। पहल का पंक्ति से पहल का स्तंभ में किए तो एक जगह, पहल का पंक्ति से दूसरा में किए तो दूसरे जगह लिखे, ठीक है, इसी तरह से करना है। अब हम दूसरा पंक्ति से करते हैं, तो दूसरा पंक्ति मैंने दूसरा रो, ठीक है, इससे करेंगे इसमें, इसमें भी आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आगे बढ़ जाना, इसमें इससे होगा, ठीक है। तो तीन एकम तीन और दो दूना माइनस चार, तीन एकम तीन दो दूना माइनस चार, अब इसमें हो जाएगा देख लीजिए, तो तीन तरीका नौ आ इसमें हो जाएगा पाँच दूना दस, तो ये हो जाएगा कितना नौ आ प्लस हो जाएगा दस, इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यह हो जाएगा माइनस छ, ये हो जाएगा माइनस छ और ये कितना हो जाएगा छब्बीस, और इसमें हो जाएगा माइनस वन और इसमें हो जाएगा कितना उन्नीस हो जाएगा, इस प्रकार से यह हल कर लेंगे, ठीक है।
चलिए इसका पांच नंबर आप आसानी से कर सकते हैं, हमें लगता है कि इसका पांच नंबर आप कर सकते हैं। बीए ज्ञात करना है तो देख लीजिए, जो कि बीए आपको निकालना है अर्थात बी का मान पहले लिख लेना है। बी का मान पहले लिखिएगा तो बी का मान देख लीजिए, एक और कितना है 3 -2 और 5 है, और इसका मान आपको क्या करना है, ए का मान बाद में अर्थात 2 4 और 3 2, इस प्रकार से इसको बाद में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देख लीजिए इससे हमें क्या करना है, अब प्रथम पंक्ति से प्रथम स्तंभ में अर्थात 2 1 2 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो 2 प्लस हो जाएगा 9। अब इसी पंक्ति से इस स्तंभ में तो स्थान बदल दीजिए, 4 1 4 और 3 2 6, तो ये 4 प्लस हो गया 6, इससे गुना कर लीजिए तो ये 2 2 -4 और ये 5 3 15, ये हो जाएगा -4 प्लस हो जाएगा 15। अब इसमें हो जाएगा कितना, 4 2 -8 और इसमें हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा -8 प्लस ये 5 2 कितना हो जाएगा 10। और इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो छोटा कर दे रहे हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं। इस तरीका से क्या हो जाएगा, ये 9 2 11 और ये 6 4 10 और ये 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 11, और ये 10 में से कितना 8 गया तो कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार से ये संख्या हमारा प्राप्त हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चलिए कल हम 7 बजे मिलेंगे। कल हम लोग लगभग 1 से 2 घंटे का लाइव क्लास चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।